नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम आपसे पेनाइल इनलार्जमेंट सर्जरी या फैट ग्राफ्टिंग या डर्मा ग्राफ्ट के बारे में, क्या आफ्टर केयर रखना या पोस्ट ऑप क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोसीजर रहती है पेनाइस के साइज को इंक्रीज करने के लिए, गर्थ को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। इसमें या तो हम लोग एब्डोमन का फैट लेके इंजेक्ट करते हैं या फिर कई बार डर्मा ग्राफ्टिंग करते हैं जिसमें लोअर एब्डोमन का स्किन के नीचे का हिस्सा कुछ लेके उसको रैप करते हैं पेनिस का टिश्यू के ऊपर। जो भी टेक्निक हो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती है पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन की। उसमें कुछ ड्रेसिंग रहती है जो कि आपको नेक्स्ट 5 to 7 days तक लगा के रखना रहती है। वो ड्रेसिंग सपोज संडे को सर्जरी हुई है तो बुधवार को करना रहता है, मतलब 3 days बाद, और उसके बाद फिर सैटरडे को, उसके बाद फिर एक बार और 3 दिन बाद। टोटल 3 ड्रेसिंग होती है। इसके अलावा मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करी जाती है वो 7 days तक लेना रहता है। जो सूचर्स रहते हैं वो सेल डिजॉल्विंग स्टिचेस रहते हैं, उसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता, वो अपने आप गल जाते हैं 2 से 3 हफ्ते में। अगर हम लोग फैट ग्राफ्टिंग करते हैं तो एब्डोमन से फैट निकालते हैं तो उस जगह से जहां से हम लोग सक्शन करते हैं उस पार्ट को कंप्रेशन देने की जरूरत रहती है, तो उसके लिए हम लोग बेल्ट लगा के देते हैं। बेल्ट, वो बेल्ट को आपको लगा के रखना है फॉर 5 days एटलीस्ट, ताकि स्वेलिंग ना आए और उस पर कंप्रेशन बना रहे। ऊपर से आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हो, उसके लिए आपको घर पर रखने की या आराम करने का जरूरत नहीं रहता है। एक दिन आराम करने के बाद उसके बाद आप सारा रूटीन एक्टिविटी कर सकते हो। जो सेक्शुअल इंटरकोर्स है आपको 4 weeks 5 weeks तक नहीं कर सकते, 4 to 5 weeks तक। अगर गाड़ी चलाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं तो 2 दिन बाद जा सकते हैं। बाइक को चलाना अवॉइड करना है फॉर नेक्स्ट 7 days। बाकी अपने रूटीन काम जो कर सकते हैं कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज आपको 2 से 3 हफ्ते तक नहीं करना है, लेकिन कार्डियो या रूटीन एक्सरसाइज आप कर सकते हो आफ्टर 5 to 7 days। इसके अलावा उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है तो एंटीबायोटिक प्रॉपरली लेना रहता है। उस पार्ट को गीला नहीं करना है फॉर नेक्स्ट 5 to 7 days, और जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की उसे प्रॉपरली लेना है। अगर हमने डर्मा ग्राफ्ट करा है, डर्मा ग्राफ्ट करने में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है लोअर एब्डोमेन में, तो उसमें जो सूचर्स लगते हैं वो डिजॉल्व होने वाले नहीं रहते हैं, उनको कट करना रहता है। तो वो सूचर्स उनको 14 to 18 days के लगभग में, मतलब 2 से 3 हफ्ते के बीच में उसको कटवाना पड़ता है। बाकी जो पेनिस वाले रहते हैं वो अपने आप घुलने वाले रहते हैं। जो ड्रेसिंग रहता है उसको इस तरह से किया जाता है कि बहुत ज़्यादा उसका विजिबिलिटी बाहर से ना हो, और उसको सॉफ्ट ड्रेसिंग रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। और उसमें पेन अगर होने का कितना है वो अगर क्वेश्चन रहता है तो उसमें थोड़ा पेन तो होगा शुरू के इनिशियली 4 to 5 days स्पेशली, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो कम होते जाता है। उसके लिए हम लोग दर्द की दवाई, एंटीबायोटिक, स्वेलिंग की दवाई वो सब देते हैं, वो आपको रूटीनली लेना रहता है। इसके अलावा जब हम लोग फैट ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो एब्डोमन है वहाँ पे लाइपोसक्शन किया जाता है, वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन अंदर डालते हैं। वो सॉल्यूशन मोस्टली हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी अगले 2 दिन तक 3 दिन तक उसमें से कोई डिस्चार्ज आ सकता है। तो सीरो सेंग्विनस डिस्चार्ज या फिर पार्शली रेड ब्लड मिक्स थोड़ा सा डिस्चार्ज आता है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। शुरू के 2-3 दिन आता है वो, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं। उस जगह पर जहाँ से वो होल किया रहता है वहाँ पर कुछ पैडिंग लगा सकते हैं, तो और वो मोस्टली 2-3 दिन में बंद हो जाता है। इस तरीके से जो पेनिस वाला हिस्सा है अगर हमने फैट ग्राफ्टिंग करी है तो वहाँ पर स्वेलिंग रहती है, तो वो स्वेलिंग कई बार ग्लांस वाले हिस्से में रहती है और कई बार रेडनेस होती है या ब्लूइशनेस रहती है, तो वो थोड़ा ब्लूइशनेस रेडनेस होना नॉर्मल होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उसका इमेज या फोटो लेके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो। इसके अलावा जहाँ पर हमने फैट डाला है उस जगह पर कुछ दिनों तक अनइवननेस रहती है, मतलब कहीं ज़्यादा लगता कहीं कम लगता है। वो इसलिए होता है कि कुछ पार्ट में स्वेलिंग ज़्यादा रहती है, कुछ में कम रहती है। कई जगह आपको हार्ड नोड्यूल टाइप का फील होता है, तो वो जो नोड्यूल्स रहते हैं वो भी फैट कई बार इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से होते हैं। उसके लिए हम लोग मसाज करने का एडवाइस करते हैं, वो आपको मसाज करना रहता है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 weeks तक।